महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुल ढहने से हुए हादसे में अब तक 14 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं और जिनकी तलाश जारी है। नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस बीच 300 किलो के चुंबक से नदी में धंसी बस को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो काफी साल पुराना ये पुल था जो कि अचानक से ढह गया था और इसमें बस गिर गई थी, जिसके बाद लगातार अब कोशिशें की जा रही है कि बस को बाहर निकाला जा सके। कई लोगों के शव बरामद हो गए हैं, लेकिन अभी भी 42 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है।